हेलो एवरीवन, आई होप आप लोग सब ठीक होंगे। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं लियो टॉल्स्टॉय फेमस शॉर्ट स्टोरी द थ्री क्वेश्चंस। द थ्री क्वेश्चंस इस शॉर्ट स्टोरी को लिखा है फेमस रशियन राइटर लियो टॉल्स्टॉय ने। टॉल्स्टॉय ने अपनी शॉर्ट स्टोरी द थ्री क्वेश्चंस को पब्लिश किया 1885 में। ये शॉर्ट स्टोरी टॉल्स्टॉय की फेमस शॉर्ट स्टोरी कलेक्शन व्हाट मैन लिव बाय एंड अदर टेल्स का पार्ट है। टॉल्स्टॉय की ये फेमस स्टोरी असल में एक पैराबल फॉर्म में है। पैराबल ऐसी स्टोरी को कहते हैं जिसके अंदर कोई मॉरल या फिर स्पिरिचुअल लेसन मौजूद हो। इस शॉर्ट स्टोरी के अंदर तीन मेन कैरेक्टर्स हैं, जिसमें फर्स्ट वन है द किंग और बादशाह, जो कि मेन कैरेक्टर है इस शॉर्ट स्टोरी का। सेकंड वन है द हर्मिट या फिर जॉगी, जो कि एक जंगल में रहने वाला आम इंसान है। और थर्ड वन है द बियर्डेड मैन, जिसको हम देखते हैं एक ज़ख्मी इंसान की सूरत में इस कहानी के अंदर। द थ्री क्वेश्चंस ये कहानी है एक बादशाह की, जो सोचता है कि वो ज़िंदगी में कभी भी नाकाम नहीं होगा अगर वो तीन चीज़ें जानता होगा। वो तीन चीज़ें हैं, किसी भी काम को करने का सही वक्त क्या है पहली चीज़, दूसरी चीज़ कौन लोग सही हैं जिनके साथ रहा जाए, और तीसरी चीज़ किसी भी हाल में की जाने वाली सबसे अहम चीज़ क्या है। बादशाह इन सवालों के बेहतरीन जवाब के लिए बड़ा इनाम भी रख देता है, और बहुत से पढ़े लिखे लोग बादशाह के पास जवाब लेकर आते हैं, लेकिन बादशाह को बेहतरीन जवाब कहीं से नहीं मिलता। सब पढ़े लिखे लोगों से मायूस होकर बादशाह जंगल में मौजूद एक जोगी यानी हर्मिट के पास जाने का सोचता है, लेकिन जोगी सिर्फ आम लोगों से मिलता है। बादशाह आम आदमी के हुलिये में जोगी के पास जाता है। जब वो जोगी के पास पहुंचता है तो जोगी को ज़मीन खोदते हुए देखता है। बादशाह उसके पास चला जाता है और उससे अपने तीनों सवालों का जवाब पूछता है, लेकिन सवाल सुनने के बाद जोगी काफ़ी देर तक खामोश रहता है, यहाँ तक कि शाम हो जाती है। ज़मीन खोदते खोदते जोगी थक जाता है। बादशाह उसकी मदद करने का कहता है। इतनी देर में जोगी की नज़र झाड़ियों में से भागते हुए एक ज़ख्मी आदमी पर पड़ती है। उस ज़ख्मी आदमी को देखकर बादशाह और जोगी उसकी तरफ भागते हैं और उसकी मदद करते हैं। ज़ख्मी आदमी को जब होश आती है और वो बादशाह को देखता है तो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है। वो बादशाह को देखते ही उससे माफ़ी मांगता है, जिस पर बादशाह हैरान हो जाता है। ज़ख्मी आदमी बादशाह को बताता है कि वो पास के गांव का आदमी है और अपने भाई का बदला लेने के लिए गांव आया था, ताकि वो बादशाह को कत्ल कर सके, जहां बादशाह के आदमियों ने उसे पकड़ लिया और ज़ख्मी कर दिया। ज़ख्मी आदमी की बातें सुनकर बादशाह परेशान हो जाता है, लेकिन वो उसे माफ़ कर देता है। बादशाह की रहमदिली पर खुश हो जाता है वो ज़ख्मी आदमी और वहाँ से चला जाता है। उस आदमी के जाने के बाद बादशाह एक बार फिर जोगी से अपने सवालों का जवाब मांगता है। उस पर जोगी कहता है, किसी भी काम को करने का सही वक्त मौजूदा वक्त है जिसमें हम रह रहे हैं। दूसरी चीज़, रहने के लिए सबसे सही इंसान आप खुद हैं, क्योंकि आपने अपने साथ ज़िंदगी गुजारनी है। तीसरी चीज़, किसी भी हाल में की जाने वाली सबसे अहम चीज़ रहमदिली और अच्छाई है। इस तरह से जोगी बादशाह को बताता है कि सब सवालों के जवाब उसके अंदर ही मौजूद थे, जिसके जवाब वो ढूंढता फिर रहा था। और यहाँ पर ये कहानी ख़त्म हो जाती है। द थ्री क्वेश्चंस ये कहानी असल में ज़िंदगी की हकीकत को बयान करती है। इंसान ज़िंदगी में किसी न किसी मकसद की तलाश में होता है हर वक्त। वो सोचता है कि ज़िंदगी में कामयाब होने के लिए उसका कोई ना कोई मकसद होना चाहिए, कोई ना कोई मीनिंग होना चाहिए, और यही चीज़ हम इस स्टोरी के अंदर देखते हैं। बादशाह तीन सवालों का जवाब ढूंढता है कामयाब होने के लिए, ताकि वो खुश रह सके ज़िंदगी में, लेकिन उन तीनों सवालों का जवाब असल में उसके अंदर ही होता है।
योगी उसे कहता है कि अगर ज़िंदगी में कामयाब होना है तो इर्द गिर्द की दुनिया में देखने की बजाय हर सवाल का जवाब अपने अंदर ढूंढो, तभी तुम खुश रह सकोगे। और यही है ज़िंदगी की हकीकत। ज़िंदगी का मीनिंग, ज़िंदगी का मकसद इंसान खुद है। वो इर्द गिर्द की दुनिया में, इर्द गिर्द के लोगों में वो मकसद तलाश करता है, जबकि वो मकसद उसके अपने अंदर मौजूद होता है। यहाँ ख़त्म होती है हमारी आज की ये कहानी। उम्मीद है आपको समझ आई होगी। आज के लिए इतना ही। मैं मिलूंगी अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।